नमस्कार आई वेलकम यू वर्ल्ड प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया को निकाल दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से एक्चुअली हुआ है यहाँ पर क्या कि पहले पश्चिमी देशों ने प्राइमेरली ऑस्ट्रेलिया यूएस न्यूजीलैंड इन सब कंट्रीज ने यूएन की जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा कि रशिया को करते हैं हम सस्पेंड यू एन से उसके बाद रशिया ने यहाँ पर यह देखा कि सिंस इनके साथ अन्याय हो रहा है रशिया का ऑफ कोर्स यहां पर यह माना था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है रशिया ने बूचा में लोगों को नहीं मारा यह रशिया का वर्जन है यूएस और बाकी कंट्रीज कह रही थी कि रशिया ने ब्रूटल तरीके से बूचा में किलिंग करी है तो सिंस रशिया अपना पक्ष यहां पर प्रॉपरली रख नहीं पा रहा था और इनको सस्पेंड कर दिया रशिया ने यहां पर डिसाइड किया कि ठीक है हम ऑल टुगेदर विदड्रॉ ही कर लेते हैं फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल सस्पेंशन तो खैर कुछ महीनों की होती ना छह महीने एक साल के आसपास की रशिया कह रहे हैं कि हम आज के समय मेंबर ही नहीं है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है वर्ल्ड पीस के लिए और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा श्योर sure आपने नॉम चॉम्सकी के बारे में सुना होगा बहुत ही फेमस सोशल क्रिटिक है थिंकर है फिलोसफर है ओवर द ईयर जियो पॉलिटिक्स पर भी इन्होंने बहुत कमेंट्री करी है काफ़ी बार जो इनकी प्रोडक्शन है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन जियो पॉलिटिक्स में ये सही भी होती है इन्होंने रिसेंटली ये कह दिया कि जो यूएसए की नीति है रशिया के प्रति इससे डीएस्कलेशन हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा डीएसलेन मतलब कि कल को वॉर खत्म हो रही है पीस मेंटेन किया जा रहा है ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि यूएस सारी बातचीत के जो चैनल्स है ये कट कर रहा है और रशिया को ऑल टुगेदर आइसोलेट कर रहा है और चॉम्सकी ने यहां पर यह भी ऐड किया कि हम ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे डेंजरस पॉइंट की तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर एक बार को न्यूक्लियर वॉर भी पॉसिबल है तो अगेन ये जब ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं जनवनली कहूंगा कि परहैप्स यूएस को बाकी पश्चिमी कंट्रीज को सोचना होगा कि ये रशिया के प्रति जो इनकी हेट्रेड है इसको बहुत ज्यादा आगे तो नहीं ले गए कि एक टाइम पे आकर रशिया से बातचीत भी ना हो पाए इन द फ्यूचर क्योंकि याद रखिएगा रशिया भी अपने आप में बड़ा देश है उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है डिग्निटी है और कबीर जी का भी एक बहुत ही फेमस दोहा है डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के मान बड़े मुनिवर गए मान सभी को भाई रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है कोई भी देश अपनी डिग्निटी खोना नहीं चाहता तो रशिया चाहे जितने भी इन पे इकोनॉमिक सेंक्शन लगे हो कुछ भी लगे हो जब इनको सस्पेंड किया जाएगा जब इनको धक्के मारे जाएंगे तो रशिया भी कहेगा कि ठीक है हमको भी आपसे बात नहीं करनी और अब रशिया ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है ये लोग डिप्लोमैट्स को बाहर निकाल रहे हैं चाहे जापान के डिप्लोमैट्स ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सबको बैन किया जा रहा है बेसिकली बातचीत करने का जो भी स्कोप था सब खत्म किया जा रहा है और कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं ना रिसेंटली हुआ क्या था वोटिंग कैसे हुई है इंडिया पाकिस्तान चाइना ने कैसे यहाँ पर वोटिंग करी है ये भी हम डिस्कस करेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा देखिए चाहे दुनिया में कितना भी अभी नेगेटिव हमको सुनने को मिल रहा हो भारत के जो किसान हैं भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने ना सिर्फ भारत को दुनिया को भी स्माइल करने का एक रीज़न दिया है इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं ये रिसेंटली एक नए माइलस्टोन को हिट किए हैं पहली बार आपको यहाँ पर बताना है कि वो माइलस्टोन क्या है 30 बिलियन डॉलर 20 बिलियन डॉलर 50 बिलियन डॉलर या फिर 100 बिलियन डॉलर यूक्रेन और रशिया वॉर में उलझ चुके हैं ऐसे टाइम में भारत अन्नदाता बनकर कई कंट्रीज को गेहूं चावल एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपको बताना चाहिए इस बारे में क्वेश्चन को अटेंड करो कमेंट सेक्शन में सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में ओके okay, तो पहली बात यहाँ पर आप कहोगे यू के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को कर दिया सस्पेंड बाद में रशिया ने खुद ही कहा कि ठीक है सस्पेंड क्या करोगे आप हम खुद ही छोड़ रहे हैं इस ग्रुप को मगर यह सस्पेंशन हुआ कैसे ये वोटिंग यहां पर हुई कैसे देखिये यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जनेवा स्विट्जरलैंड में और यू एन एचआरसी में एक बारी में कितने मेंबर होते हैं टोटल फोर्टी सेवन मेंबर होते हैं फोर्टी सिक्स हो गए अभी के लिए तो फोर्टी सिक्स हो गए क्योंकि रशिया निकल चुका है रशिया की रिप्लेसमेंट आएगी यहाँ पर बहुत ही जल्दी तो वोटिंग यहां पर नहीं हुई है वोटिंग यहां पर हुई है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जहां पर कितने मेंबर है 193 मेंबर यूएस समेत कई और देशों ने प्रस्ताव रखा है यहां पर और इन सब कंट्रीज का कहना यह था कि देखिए बूचा में जिस तरीके से जो न्यूज आ रही है रशिया लिटरली जेनोसाइड कर रहा है यूक्रेन में ऐसे कंट्री को हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रहने नहीं दे सकते इवन दो सबसे अजीब बात देखिए चाइना आज भी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बना हुआ है ंगकोंग में हुआ उसके बावजूद में कई आप को भी जिनका वैसे यहाँ पर होना चाहिए नहीं इनकी पर बनती नहीं है तो वैसे ही बहुत ही लंबे समय से ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कई कंट्रीज इतना सीरियसली लेती भी नहीं थी मगर जब यूएन जी ए में वोटिंग हुई तो वहां पर देखा गया कि 93 कंट्रीज ने वोट किया हाँ बिल्कुल रशिया को सस्पेंड करना चाहिए ट्वेंटी फोर कंट्रीज ने कहा कि नहीं रशिया को सस्पेंड नहीं करना चाहिए और फिफ्टी एट कंट्रीज करते येस, ना वोट करते नो हम इससे दूर हो जाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान दोनों इस की कैटेगरी में आते हैं यहां पर आप देख पाओगे इंडिया ने यहाँ पर एप्सटेन कर दिया इंडोनेशिया ने एप्सटेन किया है उसके अलावा बांग्लादेश ने एप्सटेन किया पाकिस्तान नेपाल ने भी यहाँ पर एप्सटेड किया है एक्चुअली पूरा साउथ एशिया आप देखोगे ना पूरा साउथ एशिया यहाँ पर सब कंट्रीज ने किया है किसी भी कंट्री ने रशिया के विरोध में या फिर यूएस के समर्थन में वोट नहीं किया विरास आप अगर चाइना को देखो तो चाइना प्रोपरली रशिया के साथ खड़ा रहा चाइना ने अगेंस्ट वोट किया चाइना ने ओपनली कह दिया कि नहीं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को निकालना नहीं चाहिए उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं बहुत सारे जैसे कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान ये खड़े रहे रशिया के साथ वियतनाम ने रशिया का सपोर्ट किया वियतनाम ने अगेंस्ट वोट किया इस रेजोल्यूशन के ना यहाँ पर हमको यह एड करना पड़ेगा रशिया आइसोलेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद 24 कंट्रीज रशिया के समर्थन में वोट करती है 58 कंट्रीज एब भी कर रही है वो भी रशिया के अगेंस्ट नहीं है थोड़ी सी न्यूट्रल सी है तो रशिया ने कहीं ना कहीं अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग अभी भी बनाकर रखी है मगर ऑब्वियसली बात है इंडिया का जो ये एब्सटेन वाला वोट था यूएसए इससे खुश होगा नहीं और अभी देखिए हमारे विदेश मंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों जा रहे हैं यूएसए में टू प्लस टू मीटिंग के लिए आपको पता होगा यूएस और इंडिया की रेगुलर बेसिस पे होती है टू प्लस टू मीटिंग जहां पे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनके डिफेंस सेक्रेटरी आते हैं इंडिया की तरफ से हमारे विदेश मंत्री रक्षा मंत्री आते हैं और बातचीत होती है वेरियस इशूज़ को लेकर तो डेफिनेटली इस मीटिंग में यूक्रेन का जो इशू है बूचा किलिंग्स का जो इशू है ये यूएस एस रेस करने वाला है अब बात करते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में कि किस तरीके से इसकी जो इम्पोर्टेंस है लगातार कम होती जा रही है अगर आप जियो पॉलिटिक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं पिछले पाँच दस साल से तो आपको याद होगा कि इसराइल के अगेंस्ट बहुत सारे रेजोलूशन पास हुए थे यू एन में और इसलिए इसराइल ने एक बार को तंग आकर ये कह दिया कि हम भी विड्रॉ कर लेंगे यू एन से दो में और इसराइल के समर्थन में इंटरेस्टिंग बात देखिए उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑल टुगेदर क्विट कर दिया यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल को यहां पर आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है यूएसए क्विट्स यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी ये वही बॉडी है जिससे रशिया को निकाला है यूएसए ने तीन साल तक इस बॉडी को वापस ज्वाइन किया नहीं था जब जो बाइडन वापस पावर में आए तब इन्होंने पहला काम यह किया कि यूएसए को वापस लेकर गए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तो देखिए एक ऐसा संगठन जिसको यूएस खुद बॉयकॉट कर चुका है ये कहकर के यहाँ पर बहुत जरा बायस है ये लोग इसराइल की बहुत जरा आलोचना करते हैं फिलिस्तीन का समर्थन बहुत जरा यहाँ पर होता है तो उसी ग्रुप से रशिया को जब आप निकालते हैं तो कुछ ज्यादा वजन रहता नहीं है आपकी बात में और कहीं ना कहीं इंडिया ने भी यही बात कन्वे करने की कोशिश करी है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें ना कि बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे इंटरनेशनल फोरम्स पे मगर जैसे नॉम जॉम्सकी ने कहा है यूएसए की जो नीतियां हैं रशिया के प्रति इसकी वजह से डीएसलेशन नहीं हो पाएगी एक्चुअली सिचुएशन इन द फ्यूचर बिगड़ ही सकती है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि फिनलैंड ने ऑफिशियली कह दिया है कि बहुत ही जल्द ये भी नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे विद इन वीक्स की यहाँ पे बात चल रही है जैसे ही ये हो गया मैं आपको बता रहा हूँ एक और वॉर का फ्रंट खुल जाएगा रशिया इमीडिएट बेसिस पर फिनलैंड पे आक्रमण कर सकता है और इस पर मैंने वीडियो बना दी थी कई हफ्तों पहले मैंने आपको 26 फरवरी में ही बता दिया था कि रशिया ने वार्निंग दी है कि अगली जो इनकी वॉर है ये हो सकती है फिनलैंड के अगेंस्ट क्योंकि अगर फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है नेटो को तो इससे रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट बुरी तरीके से हर्ट होंगे तो उम्मीद देखिए मेरी यहाँ पर यही है कि यूएस डी एक्स्कलेशन करने की कोशिश करे लगातार दुनिया को एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ यूएस पुश करना बंद कर दे आई होप दैट ड ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने पहली बार कौन सा माइलस्टोन हिट किया है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के मामले में तो सही उत्तर यहाँ पे है पचास बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारे किसानों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है हमारे एक्सपोर्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया ने पहली बार पचास बिलियन डॉलर का जो ये आंकड़ा है इसको छो लिया है इट इज़ ग्रेट न्यूज फॉर आर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यू एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक इस लिंक पर करो क्लिक यू एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा एस बैंक नीट एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अन अकाडमी का आइकॉनिक कोर्स जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रपरेशन और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही तो अगर आपके पास अभी टाइम है आप आराम से जाते हैं कि दो हजार चौबीस में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का अभी आप कॉलेज में है आराम से दो साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे यूपीएससी का तो जो छत्तीस महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेस मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है सिंपली यहां पर यूज करिए कोड पी डी टेन और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे यहां पे आप देखेंगे द प्रोसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग वांस यू यूज द कोड पी डी टेन सो यूज द कोड एंड सेव मनी सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत थैंक यू फॉर एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल